उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पीएचसी कर्मचारियों के खिलाफ आशाओं ने खोला मोर्चा। उन्नाव की विकास खंड और अस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा बहुओं ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा बहुओं का कहना है कि प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ वैचो के द्वारा लगभग 165 आशा बहुओं से 2019 में बढ़ा हुआ वेतनमान दिलाने के नाम पर 1200 रुपए की वसूली कर ली गई, जिसके बाद भी बढ़ा हुआ वेतनमान इन आशा बहुओं को नहीं दिया गया और विरोध करने पर नौकरी से निकलने की भी धमकी दी, जिसके बाद सभी आशा बहुओं ने प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच हंगामा शुरू कर दिया। आशा बहुओं का यह हंगामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से खंड विकास कार्यालय तक हुआ, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी के एन पांडेय को मुख्य विकास अधिकारी संबोधित ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाए जाने की मांग करते हुए वसूले गए रुपये वापस करवाने की मांग की। और अब इस समय कह रहे हैं 2003 भेज दो, बाकी आप लोग और हम लोग मिलकर बात करेंगे। डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो मेरी सुनते ही नहीं है, हड़का के भगा देते हैं, गालियां भी देते हैं, संगनी को भी गालियां देते हैं। नहीं और जसवाई में जाओ वहाँ पैसा लिए जाते हैं, डिलीवरी में जाओ 500 रुपया लिए जाते हैं। रोहित एक है वो भी लेता है 200 रुपया, 100 रुपया लगाने के कागज 100 रुपया लिए जाते हैं। अरे क्या समस्या है आपकी? समस्या सर हमारी है, 2019 में अप्रैल को हम लोगों का 750 रुपए मानदेय बढ़ा था, वो कह रहे थे कि आप लोगों का जाएगा। अब ये 2020 हो गया है अगस्त, अब तक कोई पैसा नहीं दिया। 1200 रुपये प्रति आशा से वसूल किए, कहने लगे 1200 रुपए दो तुम लोगों को 9000 रुपए खाते में ट्रांसफर कर देंगे, पर 1200 रुपए नहीं मिली था। अब अगस्त चल रहा, अगस्त भी खत्म हो गया, लग गया, अब तक कोई पैसा हम लोगों के खाते में नहीं गया। तो आप बताइए कि ये लोग हम लोगों से पैसे लेके पैसा हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। मैं ऊपर से कह रहे हैं कि तुम लोगों की हम कवर खोद देंगे, तुम लोगों को उसी में गाड़ देंगे। किसने ये किसने कहा? एचईओ अमर सिंह ने कहा। अच्छा, और डॉक्टर साहब का क्या कहना है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, आप हमारे यहाँ के सीनियर हैं, आपको कैसे नहीं पता? आपने खुद कहा हमें 30% चाहिए, तो आपको कैसे नहीं पता कि हमारे यहाँ इतना पैसा वसूल गया है? हमें बताइए। तो आप अपनी मांगों को लेकर के किन किन अधिकारियों के पास अभी तक गई हैं? हम अभी गए, अभी डॉक्टर साहब के पास गए थे, वीडियो साहब के पास आए, अब ऊपर अधिकारियों के पास उन्नाव जाएंगे हम कल। हम सोच रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हों, जो हमारा ये बताइए लॉकडाउन में मोदी जी ने सब चीज़ के लिए।